हाइड एंड सीक का नाम तो आपने सुना ही होगा, इनफैक्ट ये गेम आपने प्ले भी किया होगा। आपको क्या लगता है, ये गेम केवल आपने ही प्ले किया है? नहीं, नेचर में भी ये गेम प्ले होता है। तो आइए जानते हैं नेचर में होने वाले इस गेम के बारे में। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड। हमारी नेचर में प्रेडेटर एंड प्रे का रिलेशन बहुत पुराना है। प्रेडेटर जो कि शिकार करते हैं एंड प्रे जो कि खुद को बचाने के लिए हाइड करते हैं। मींस हमारी नेचर में हाइड एंड सीक का गेम चलता रहता है। पुराने टाइम पर आदिवासी हुआ करते थे जो कि शिकार करके अपना पेट भरते थे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि शिकार करने से पहले वो अपने आप को पत्तों से कवर क्यों करते थे? वो अपनी बॉडी पर लाइंस बनाते थे, वो ऐसा क्यों करते थे? यस, यू हैव थॉट इट राइट। वो ऐसा खुद को कंसील करने के लिए किया करते थे जिससे कि वो आसानी से प्रे को कैप्चर कर सके। इंसान नेचर से ही तो सीखता है। तो आइए जानते हैं नेचर में होने वाले इस इंटरेस्टिंग मैनर के बारे में जिसका नाम है कैमोफ्लाज। तो चलिए कैमोफ्लाज की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कैमोफ्लाज रेफर्स टू द यूज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, इल्यूमिनेशंस और कलरेशन दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म blend in with its environment. According to natural selection theory of Charles Darwin, वो species ज़्यादा easily survive करती हैं, ज़्यादा easily breed करती हैं, जो कि camouflage show करती हैं। Camouflage को different methods के through achieve किया जा सकता है, जिसमें ज़्यादातर methods background के according खुद को match करके hide करने में support करते हैं। But कुछ methods ऐसे भी होते हैं जहां पर विदाउट हाइडिंग प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मेथड्स ऑफ कैमोफ्लेज। फर्स्ट मेथड इज क्रिप्टिक बिहेवियर। क्रिप्टिक बिहेवियर में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कंसील करने की एबिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। इसके लिए वो एक बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, लीफी सी ड्रैगन एक मरीन फिश होती है जो कि जनरली साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। इस फिश के जो स्किन के प्रोटूजन्स होते हैं वो लीफ लाइक अपीरियंस देते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोट करती हुई सी वीड के जैसा इल्यूजन करता है, जिसके कारण ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में खुद को इजीली कंसील कर पाता है और जो इसका प्रे होता है ये उसको इजीली कैप्चर कर पाएगा। ये जनरली स्मॉल क्रस्टेशियंस को एंड प्लैंकटॉन्स को खाता है। ये अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी एज पर, डाइट पर, इवन उनकी लोकेशन पर। हमारा नेक्स्ट मेथड है सेल्फ डेकोरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी फीचर्स को छुपाने के लिए या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मैच करने के लिए वो अपनी डेकोरेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, डेकोरेटर क्रैब। डेकोरेटर क्रैब वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये क्रैब अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए स्मॉल स्टोन्स, स्पॉन्जेस, इवन सी वीड्स का यूज करता है। ये क्या करता है, इसके लिए अपनी बॉडी से एक लिक्विड रिलीज करता है और उस लिक्विड के थ्रू क्या होते हैं, जो सी वीड्स होते हैं वो इसकी बॉडी पर अटैच हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इंट्यूटिव फॉर्म्स ऑफ कैमोफ्लेज। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो इजीली विजिबल नहीं होगा और आसानी से अपने आप को कंसील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास फ्रॉग। ग्लास फ्रॉग एक आर्बोरियल फ्रॉग होता है। ये साउथ मेक्सिको से लेकर पनामा तक के एरिया में पाया जाता है। अगर हम बात करें इस फ्रॉग की, तो इस फ्रॉग की जो वेंट्रल साइड होती है वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है और इसी के कारण क्या होता है, ये इजीली विजिबल नहीं होता है। ग्लास फ्रॉग साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं। ये 3 to 7.5 सेंटीमीटर अराउंड हो सकते हैं। आज हमने कैमोफ्लेज के बारे में जाना और हमने देखा इसके डिफरेंट मेथड्स को। आगे आने वाले एपिसोड में हम और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।